दोस्तों अगर आप भी धोनी और रोहित को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हो चुका है आईपीएल 2023 के विजेता का ऐलान। भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने आईपीएल फाइनल की भविष्यवाणी करते हुए ऐसी टीम को चैंपियन बता दिया जिसका नाम सुनकर तो शायद आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार कैसे मिली एबी डिविलियर्स का साथ, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आईपीएल विजेता की भविष्यवाणी करते हुए जिनकी बातों ने क्रिकेट के गलियारों में भूचाल ला दिया है, उनका हैरतअंगेज बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और धोनी में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 74 मुकाबले 10 टीमों की दांव पर लगी होती है साख, लेकिन केवल एक ही मारती है दुनिया के सबसे मुश्किल लीग में बाजी। दुनिया के सबसे बड़े सितारे अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खून पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में अधिकांश सभी का दिल टूटता है। करोड़ों भारतवासी निराश होते हैं और एक टीम आईपीएल चैंपियन बनकर उभरती है वो घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। 72 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, अब केवल 2 मैच शेष हैं क्वालिफायर 2 में, जहां डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के सितारे फाइनल में अपने विपक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्द यानी कि 26 मई को मुंबई और गुजरात के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्वालिफायर 2 का मैच होने वाला है, जिसमें जो भी टीम बाजी मारेगी उसे फाइनल का टिकट दिया जाएगा और फिर हमें 28 मई को फाइनल के मुकाबले में आईपीएल 2023 का चैंपियन मिलेगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी लीग में भविष्यवाणी और प्रेडिक्शन का सिलसिला भी काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है, तो वहीं कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर पहले से ही इस बात का खुलासा करने की कोशिश करते हैं कि कौन मुकाबले में बाजी मार जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमें एक बार फिर से देखने को मिला, इसमें अब एबी डिविलियर्स का नाम भी जुड़ चुका है। उन्होंने अब ऐसी टीम का नाम ले लिया है जिसके आईपीएल चैंपियन बनने की उम्मीद तो शायद कोई भी नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि एबी डिवी ने कहा है कि आईपीएल ऐसे ही दुनिया की सबसे मुश्किल लीग नहीं है, पहले हमें क्वालिफायर्स का नहीं पता था तो अब ये कह पाना नामुमकिन है कि कौन फाइनल में जाएगा। मुंबई और गुजरात दोनों मजबूत टीमें हैं, दोनों के पास मैच विनर्स की भरमार है, लेकिन मैं यदि करंट फॉर्म और रिकॉर्ड की बात करूं तो मुंबई मुझे फेवरेट लग रही है। रोहित के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं, हालांकि गुजरात को कम आंकना गलती ही हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है हमें एक बार फिर मुंबई और चेन्नई का फाइनल मिलेगा। तो दोस्तों आईपीएल के विजेता की बात करते हुए उन्होंने बता दिया कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार का आईपीएल अपने नाम करें, उन्हें आईपीएल ट्रॉफी के साथ देखना एक अलग ही फील होती है, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मुंबई को हरा पाना बेहद मुश्किल है, बस मुझे इसी बात का डर है। तो दोस्तों एबी डिविलियर्स ने तो अपनी पसंदीदा टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कौन बन पाएगा आईपीएल 2023 चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर